नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अपडेट लेकर। दोस्तों, आज की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों 2022, 2023 एज वेल एज 2024 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन डिटेल इस इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अपडेट है ना, ये दोस्तों लिंक्डइन पर पोस्ट किया गया है, जिसके बारे में दोस्तों अब मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, तो दोस्तों ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेटा एनालिटिक्स इंटर्न्स। शैडोफैक्स इज एक्टिवली लुकिंग फॉर एन एनालिटिक्स इंटर्न्स टू जॉइन देयर डायनेमिक टीम इन बैंगलोर। अप्लाइंग दोस्तों ये क्या, जिसको दोस्तों मैं आपको चीजें बताऊंगा। लोकेशन बैंगलोर रहेगी। एक्सपीरियंस ओनली फ्रेशर्स, दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहने वाला है दोस्तों 6 मंथ्स, कन्वर्टेबल टू फुल टाइम बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। हाँ दोस्तों, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो दोस्तों आपको फुल टाइम ऑफर भी मिल सकता है। की स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं दोस्तों, वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट्स एंड प्रोफिशिएंट इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल, पाइथन एंड एक्सेल। तो दोस्तों आपको डेटा सेट्स एज वेल एज एसक्यूएल, पाइथन एंड एक्सेल पर काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो तो दोस्तों आप इन्हीं स्किल्स, इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले हो। प्रोफिशिएंट इन डेटा विजुअलाइजेशन, इनसाइट्स एंड जनरेशन टूल्स। दोस्तों आपको डेटा को विजुलाइज करना भी आना चाहिए। दोस्तों आप बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डेटा को विजुलाइज करते होंगे यूजिंग पावर बीआई टूल्स। काफी स्टूडेंट्स डेटा को विजुलाइज करते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग, अगर कुछ स्टूडेंट्स को यूज करनी आती है, एंड एज वेल एज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। ये क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इन्होंने वो तीनों चीजें दोबारा से मेंशन कर रखी है। इंटर्नशिप 6 मंथ्स की रहेगी, कन्वर्टेबल टू फुल टाइम, दैट मींस इंटर्नशिप प्लस पीपीओ की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ईमेल आप टेक इन टारगेट या फिर जो भी आपका ईमेल है वो आपको चेक इन करना है, नेम, फोन नंबर। यहाँ दोस्तों 2022-23 एज वेल एज 2024 बैच स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कॉलेज आपको मेंशन करना है। आर यू अ फ्रेशर, आर यू कंफर्टेबल टू रिलोकेट टू बैंगलोर, यस या नो। जब आप यहां अपना रिज्यूमे अपलोड करो तो मेक श्योर आपको अपनी सारी चीजें मेंशन करनी है। इफ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेट और एनी इंटर्नशिप प्रीवियसली रिलेटेड टू डेटा, उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने यहां एक्सेल, यहां दोस्तों इन्होंने एसक्यूएल, पाइथन एंड एक्सेल पर काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स में पाइथन, एक्सेल एज वेल एज एसक्यूएल को जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको डेटा से रिलेटेड और कोई स्किल या टूल पर काम करना आता है लाइक मशीन लर्निंग, पावर बीआई, तो उसको भी दोस्तों मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया, कोई भी एसएच डिग्री को स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इन लोगों ने बस इतना बोला है अगर आपको डेटा फील्ड अच्छी लगती है एंड एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल पर काम करना आता है तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।